जिला में दुर्गा पूजा के अवसर पर शहर में सुगम यातायात को लेकर रूट चार्ट जारी किया गया है। पूजा पंडाल में भ्रमण को लेकर पंडाल के आसपास बड़े वाहनों, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा व सवारी वाहनों के लिए नो एंट्री तथा विभिन्न थाना क्षेत्र और पूजा पंडालों के पास पार्किंग स्थल भी बनाई गई है। प्रेस वार्ता का आयोजन कर ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि धनबाद जिला में सुगम यातायात को लेकर रूट चार्ट तैयार किया गया। इस दौरान 300 की संख्या में आरक्षी और 100 की संख्या में पदाधिकारी यातायात का नियंत्रण करेंगे। शहर के विभिन्न थाना के सबसे बेहतर पदाधिकारी को यातायात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरे शहर के लिए रूट चार्ट तैयार किया गया है। बड़ी वाहन, ऑटो, निजी चार पहिया, बाइक के परिचालन को लेकर अलग अलग रूट और पार्किंग स्थल बनाया गया है ताकि पूजा के दौरान शहर वासियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस बार के दुर्गा पूजा में धनबाद जिला के लिए रूट चार्ट तैयार किया गया है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 300 की संख्या में आरक्षी को और 100 की संख्या में पदाधिकारियों को यातायात नियंत्रण में लगाया है। जो भी अपने थाना से बेहतर पदाधिकारी है उन्हीं लोगों को यातायात की जिम्मेवारी दी गई है। इसमें हम लोगों ने पूरे शहर के लिए रूट मैप बनाया है कि किन रास्तों से बड़ी वाहनों का परिचालन किस अवधि में नहीं किया जाएगा, ऑटो का परिचालन रूट क्या होगा, चरपहिया, निजी वाहनों, बाइक का परिचालन पहुंचाया जाए, जैसे कि दुर्गा पूजा के दौरान कोई भी श्रद्धालु को जो दुर्गा पूजा घूमने निकल रहे हों उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है।